हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। हार्ड वर्क गेट्स यू टू वेयर मे गुड लक डिलीवर यू। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय खाद प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। निम्न में से किसे मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? हरसिमरत कौर बादल हैज रिजाइंड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। वो हैव बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री। ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी। इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? How many million dollar financial assistance has been provided to Maldives by India to help deal with the impact of COVID-19 epidemic on the economic? Option है 25 करोड़ डॉलर, 15 करोड़ डॉलर, 20 करोड़ डॉलर, 30 करोड़ डॉलर। इसका राइट आंसर है 25 करोड़ डॉलर। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? वो हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ऑप्शन है अनिल अग्रवाल, सीमांचल दास, राहुल सचदेवा, मोहन त्यागी। इसका राइट आंसर है सीमांचल दास। सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रो के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है? फॉर हाउ मेनी इयर्स हैज फॉर्मर चीफ ऑफ द अनिल धस्माना बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। ऑप्शन है 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल। इसका राइट आंसर है 2 साल, 2 ईयर्स। अनुसंधान और विश्लेषण विंग रो के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को 2 साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? Recently, this country has issued an order to ban popular Chinese social media apps TikTok and WeChat in view of national security. Option है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाबू शिवान किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध निर्देशक थे? बाबू शिवान वाज ए रिनॉम्ड डायरेक्टर फ्रॉम विच फिल्म इंडस्ट्री? ऑप्शन है मलयालम, बंगाली, तमिल, मराठी। इसका राइट आंसर है तमिल। तमिल फिल्म निर्माता बाबू शिवन का चेन्नई में निधन हो गया, जिसमें कई अंग फेल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र 2020 में सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए 17 युवा नेताओं की सूची में शामिल किया गया है। नेम द इंडियन हु हैज बीन सिलेक्टेड इन द यूनाइटेड नेशंस 2020 लिस्ट ऑफ 17 यंग लीडर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। ऑप्शन है सहा स्वपनील, किशन गंगोली, उदित सिंगल, क्रिश उडुपा। इसका राइट आंसर है उदित सिंगल। 18 वर्षीय भारतीय लड़के उदित सिंगल को संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा 2020 में 17 युवा नेताओं को सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो हैज बीन हॉनर्ड विद द 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑप्शन है सलमान रुश्दी, मार्गरेट एटवुड, टोने मॉरिसन, J.K. राउलिंग। इसका राइट आंसर है मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड कनाडा ने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का आजीवन उपलब्धि पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के शीर्ष प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? वो रिप्रेजेंट इंडिया एट 10th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी। ऑप्शन है हर्षवर्धन, सुब्रमण्यम, जयशंकर, थावरचंद गहलोत, अजीत डोभाल। इसका राइट आंसर है अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया, वह इनमें से किस संस्था के पूर्व प्रमुख थे? रिसेंटली अमिताभ घोष पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर हेड ऑफ विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है RBI, SEBI, SIDBI, NABARD, NABARD। इसका राइट आंसर है RBI। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में टॉप किया है? विच स्टेट टॉप्ड द इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020? ऑप्शन है मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, सिक्किम। इसका राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम को भारत हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है, जो भारत की पहली हैप्पीनेस रिपोर्ट है, जो पूरे देश में खुशी को मापने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक PR कृष्ण कुमार का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह भारत के किस राज्य से थे? इंटरनेशनली रिनाउंड आयुर्वेदा फिजिशियन PR कृष्ण कुमार डेड एट द एज ऑफ 69 फ्रॉम विच इंडियन स्टेट?
ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक पी आर कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? This country has become the first country in the world to issue a national bond related to the sustainable development goals set by the United Nations. Option है सिंगापुर, मेक्सिको, कनाडा, स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर है मेक्सिको। राष्ट्रीय द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाला मेक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में ऋण वितरित करने के लिए आर्थिका स्पंदाना कार्यक्रम शुरू किया है? Which state has started the Artika Spandana program for disbursing loans to agriculture and non-agricultural sector through various cooperative institutions? Option है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में ऋण वितरित करने के लिए आर्थिका स्पंदाना कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2020 एशिया गेम्स चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? Who among the following will be awarded the 2020 एशिया गेम्स चेंजर अवार्ड? ऑप्शन है सोनू सूद, एमएस धोनी, विराट कोहली, विकास खन्ना। इसका राइट आंसर है विकास खन्ना। विकास खन्ना को 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।